आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आपके ट्रेडिंग करियर को सफल बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। ट्रेडिंग के दुनिया में हमारे माइंड और इमोशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर हम इस साइकोलॉजी को सही से हैंडल नहीं करते हैं तो हमारे ट्रेड्स में नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में और कुछ टिप्स देंगे जिसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए और इस यूट्यूब वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रहस्यों को खोजें। अगर आप चाहते हो कि आप एक सफल ट्रेडर बनो तो आपको एक बात का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेडिटेशन की। ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिसमें स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, फियर, ग्रीड, एंजाइटी और अन्य मेंटल चैलेंजेस होती है। इन सभी मेंटल चैलेंजेस का सामना करना ट्रेडर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए ट्रेडर्स के लिए मेडिटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। दोस्तों, आपको सच बताऊं तो ट्रेडिंग माइंडसेट का गेम है, तो आपको अपने माइंड के लेवल पे काम करना ही पड़ेगा, और इसके लिए मेडिटेशन से अच्छा और कुछ उपाय हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, मैं 2015 से मेडिटेशन कर रहा हूं। मेडिटेशन से मेरी ट्रेडिंग नहीं बल्कि पूरी लाइफ के कामों में मदद मिल रही है। आप शुरुआत में बेसिक्स मेडिटेशन से अपना मेडिटेशन का जर्नी शुरू कर सकते हो। मैंने भी शुरुआत में यूट्यूब से ही सीखा था मेडिटेशन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब में ईशा फाउंडेशन का मेडिटेशन या फिर ब्रह्मा कुमारी या फिर आर्ट ऑफ लिविंग के वीडियोस को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी मैं जो मेडिटेशन करता हूँ वो हाईली एडवांस मेडिटेशन है जो आपको यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप शुरुआत यूट्यूब से ही कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से ही स्टार्टिंग किया था बेसिक्स मेडिटेशन से। तो अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने ट्रेडिंग में एक नई बदलाव को लेके आना चाहते हैं तो आज इसे मेडिटेशन करना शुरू करें। ट्रेडिंग जरूरी है, लेकिन अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ट्रेडिंग जर्नल रखना भी उतना ही जरूरी है। एक ट्रेडिंग जर्नल आपको अपनी ट्रेडिंग का सटीक रिकॉर्ड रखने में मदद करता है जो आपके ट्रेडिंग के नतीजों को समझने में और सफल ट्रेडर बनने में मदद करता है। ट्रेडिंग जर्नल रखने से आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और इनसे सीख सकते हैं। इससे आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझने में मदद मिलेगी और आप अपने नियमों के अनुसार ट्रेड करते हुए अपनी ट्रेडिंग को नियंत्रित कर सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल में ट्रेड्स की तारीख, समय, ट्रेडिंग सेटअप, स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, लेबल जैसी जानकारी रखी जाती है। ट्रेडिंग जर्नल बनाना और रखना आसान है, लेकिन इसके फायदे बेमिसाल है। आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप्स देता हूँ। जब आप ट्रेड पंच करते हो तो उसके बाद आपको कैसी फीलिंग आती है वो भी अपने ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करो। अगर आपको डर लगता है या फिर इम्पेशेंट हो जाते हो ट्रेड लेने के बाद, तो उसको भी लिखो और रात को अकेले में बैठकर खुद को बोलो कि मैं कल से ऐसी इमोशन नहीं दिखाऊंगा। तो ऐसे आपको खुद के ऊपर काम करना है। दोस्तों, हर एक फील्ड में कामयाब पाने के लिए IQ से ज़्यादा EQ इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब इमोशनल कोशेंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि 30% इज स्ट्रैटेजी एंड 70% इज साइकोलॉजी। तो ये थिंकिंग ट्रेडिंग में भी लागू होता है, और अगर आपका इमोशनल कोशेंट अच्छा नहीं है तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रेड लिया और आपने प्रॉफिट किया तो आप बहुत खुश होंगे और सारे दोस्तों को बताएंगे, घर वालों के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आपको लॉस होगा तो लॉस के बाद अगर आप निराश हो रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, डिप्रेशन में चले जा रहे हो, तो ये एक गलत EQ के कारण हो रहा है। तो इसीलिए अपने इमोशनल क्वोशेंट के ऊपर काम कीजिए और मेडिटेशन करें, इससे आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों देखो, लाइफ में हमको चोट तो लगेगा, चाहे ट्रेडिंग में हो या फिर हमारे नॉर्मल लाइफ में हो, लेकिन जो भी चोट लगता है ना, वो चोट का असर बाहर की दुनिया में है तो ठीक है, लेकिन उसकी असर हमें यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ये शर्ट में कुछ गिर गया, कुछ खाने का चीज़ गिर गया, तो इसका अगर दाग यहाँ पे है तो ठीक है, लेकिन इसका जो दाग है वो यहाँ लगनी नहीं चाहिए। अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस हो रहा है तो वो लॉस का असर वहीं पे रहने दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट में ही। आप उस लॉस का असर की वजह से यहाँ पे चोट लगने मत दीजिए। तो इसीलिए आप अपने इमोशंस के ऊपर काम कीजिए।
दोस्तों मार्केट में हमारा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी साइकोलॉजी को डैमेज करती है। ट्रेडिंग में आपको स्ट्रेट अपवर्ड लाइन में प्रॉफिट होगा ही नहीं, अपने इक्विटी कर्व में आपको बहुत ड्रॉडाउन देखना पड़ेगा। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि मैं हर दिन प्रॉफिट बनाऊं, हर महीने प्रॉफिट बनाऊं, तो आप अभी ट्रेडिंग करना छोड़ दीजिए। आपको हर दिन या हर महीने पैसा डबल या ट्रिपल करने का एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना है। अगर आपने साल भर में ना अगर 20% का भी रिटर्न बनाया, देन स्टिल यू आर एन एक्सेलेंट ट्रेडर। Read Trading in the Zone book by Mark Douglas. This is world's best and highly powerful book on trading psychology. ये book में हर trader को suggest करूँगा कि वो ये book पढ़े। अगर आपको market में थोड़ा बहुत ही experience है तो ये book आपको काफ़ी कुछ realization करवाएगा। ये book traders के लिए भगवद गीता बराबर है। तो ये book को अभी खरीद लीजिए या फिर internet से फिर PDF download निकाल के पढ़ना शुरू कीजिए। ये बुक पढ़ने के बाद आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो ये रहा 5 टिप्स टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।